नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। SSC GD के लिए जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज शुरू करी गई थी, आज उसकी 7वीं क्लास है। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? संसदीय और अध्यक्षात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, या संसदीय और राजा? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। हम सभी जानते हैं व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख सरकार का भी अध्यक्ष होता है, जबकि संसदीय प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल है और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली, जहाँ से हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ भी संसदीय प्रणाली, हमारे यहाँ मतलब भारत में। अगला प्रश्न है, संविधानेतर इतर निकाय कौन सा है? योजना आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग? इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी वित्त आयोग संविधानेतर इतर निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक संविधानेतर निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? मनोनयन, चयन, निर्वाचन या नियुक्ति? इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी नियुक्ति। लोकसभा में बहुमतधारी दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, पीने की पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में हुई, जिसका उद्देश्य डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से था। हमारा अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने, B.R. शिंदे ने, B.R. अंबेडकर या ज्योतिबा फुले ने? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी ने अपने वक्तव्य में हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण द्वारा रखा गया। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? अंतड़ियों को, फेफड़ों को, जिगर को या तिल्ली को? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी तिल्ली को मलेरिया प्रभावित करता है। मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोवा की जातियों से होता है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्त है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी स्टील चारों विकल्पों में से सबसे अधिक प्रत्यास्त है।
जब बाहरी बलों को रद्द कर दिया जाता है तो विरोपण के बाद एक सामग्री द्वारा उसकी मूल आकृति को प्राप्त करने का गुण प्रत्यास्थित होता है। सभी सामग्री कुछ हद तक प्लास्टिक होती हैं, लेकिन उनके परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए मृद इस्पात और रबड़ दोनों ही प्रत्यास्थ पदार्थ हैं, लेकिन इस्पात यानी स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तराखंड में? तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, यानी मध्य प्रदेश में। भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग किस कलर में दिखाई देगा? पीला, नीला, हरा या बैंगनी? तो इसका विकल्प सी सही है, यानी हरा रंग। वर्णांधता वाला जो आदमी होगा उसको लाल रंग हरा दिखाई देगा। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस आंखों का एक रोग होता है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, जिससे उसकी रंग बोधि की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोधि की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। साधारण व्यक्ति रंग के हल्केपन या गहरेपन का भली भांति बोध यानी परसेप्शन कर सकता है, पर इस रोग में व्यक्ति की रंगों के गहरेपन का बोध या रंगों को पहचानने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था किसने बनाया था? एडवर्ड स्टोन ने, ली कार्बोनियर ने, एडविन लुटियंस ने, तरुण दत्त ने? तो इसका विकल्प सी सही होगा, यानी राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन दोनों का ही डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। राष्ट्रपति भवन विश्व का दूसरे सबसे बड़ा राज्य निवास है। इस विशाल इमारत को 1912 में लुटियंस द्वारा वास्तुकार हर्बर्ट बेकर द्वारा भेजे गए रेखा चित्रों का उपयोग करके विकसित किया गया था। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन्स लैंडसीर लुटियंस का डिजाइन भारतीय वास्तुकला से प्रेरित था। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1948, 1951, 1950 या 1952? इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहुपरियोजना कार्यक्रम था। इसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। और अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोधगया में? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी बोधगया में। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया था। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोधगया कहा गया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था, उसका नाम क्या था? हेरोडोटस, वेनसांग, मेगस्थनीज या होलियोडोरस? इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी मेगस्थनीज। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं। वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन कार्निलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया है। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के? तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी विटामिन के।
इस प्रोटीन के निर्माण के लिए शरीर को विटामिन के की जरूरत होती है। यानी विटामिन के दो तरह से काम करता है, शरीर के अंदर व रक्त को जमने नहीं देता और शरीर के बाहर व ब्लड को बहने नहीं देता है। हमारा अगला प्रश्न है, माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, हिलरी रोडहाम क्लिंटन या बिल क्लिंटन या मार्गरेट थैचर? इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी माय लाइफ पुस्तक के लेखक बिल क्लिंटन है। विलियम जेफरसन क्लिंटन यानी बिल, जिनका जन्म 19 अगस्त 1946 को हुआ था, जिन्हें बिल क्लिंटन के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1993 से 2001 का था। थियोडोर रूजवेल्ट और जॉन एफ कैनेडी के बाद वे अमेरिका के तीसरे सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इनके साथ एक महिला मोनिका लेविंस्की विवाद भी जोड़ा था, जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक माई लाइफ में किया है। तुल्यकालीन कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? 600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 36000 किलोमीटर? इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी 36000 किलोमीटर। भूस्थिर कक्षा अथवा भूमध्य रेखीय भूस्थिर कक्षा पृथ्वी से 35786 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित उस कक्षा को कहा जाता है, जहां पर यदि कोई उपग्रह है तो वह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। यह कक्षा भूमध्य रेखा पर स्थित होगी एवं उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान होगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ने या मोहम्मद गौरी ने? जिसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी कुतुबुद्दीन ने भारत में दास राजवंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश या दास वंश दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह वंश 1290 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसका नाम गुलाम वंश इस कारण पड़ा कि इसका संस्थापक और उसके इल्तुतमिश और बलबन जैसे महान उत्तराधिकारी प्रारंभ में गुलाम अथवा दास थे और बाद में वे दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने में समर्थ हुए। कुतुबुद्दीन जो 1206 से 1210 तक शासन किया, मूलतः शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का तुर्क दास था और 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में विजय प्राप्त करने में और उसने अपने स्वामी की विशेष सहायता की। उसने अपने स्वामी की ओर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुसलमानों की सल्तनत पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में बिहार और बंगाल तक हो गई। 1206 ईस्वी में गौरी के मृत्यु के पूर्व में ही विस्तृत कर दी थी बिहार और बंगाल तक। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद या अहमदनगर? जिसमें हमारा विकल्प सी सही है, दौलताबाद। यानी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना। यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान या योग्य था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। इसकी बहुत सी योजनाएं असफल रहीं, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान, कराचिल का सैनिक अभियान या दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि आदि। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 रेखांश, 90.5 डिग्री या 0 डिग्री रेखांश या 82.5 डिग्री रेखांश? तो इसमें हमारे विकल्प डी सही है, यानी 82.5 डिग्री रेखांश। अगला प्रश्न है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? ज्वारभाटा, धारा या करंट, सुनामी, चक्रवात या साइक्लोन? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी सुनामी। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर को सुनामी कहा जाता है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके 5 परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या प्लैटिनम? तो हमारा इसमें विकल्प सी सही है, यानी रेडियम। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकवेरेल ने 1896 में की थी। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा करा जाने पर कृत्रिम रेडियो सक्रियता कही जाती है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता मुख्यतः भारी नाभिकों से होती है। यूरेनियम पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है।
हमारा अगला प्रश्न है, आम का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतः भित्ति, भ्रूणपोष। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी मध्य भित्ति आम का खाने योग्य भाग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी गोदावरी को भारत में वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। गोदावरी नदी का अक्सर प्रायद्वीपीय नदियों के बीच बड़े आकार और सीमा के कारण वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? चेचक, पोलियो, प्लेग या खसरा? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी प्लेग रोग विषाणु से नहीं होता और तीनों रोग विषाणु से होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे के लिए कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।